नमस्कार प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल विशेष में। जी हां, प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, प्रत्येक सप्ताह की जैसा ये सप्ताह भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन में 27 मई से लेकर के 2 जून के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल, जिसमें मेष से लेकर मीन राशि वाले ग्रहों की स्थितियों के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि पूरे सप्ताह आपकी स्थिति कैसे होने वाली है, और अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरता रहेगी तो प्रत्येक राशिफल के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बता दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो आप चंद्र राशि के अनुसार इस वीडियो को देखिए। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये जो राशि पहले चंद्रमा के गोचर पे है, तो चंद्रमा की स्थिति को जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि चंद्रमा जो है हमारे मन का कारक है और हम जो सोचेंगे वही हमारा कर्म की ओर प्रेरित होगा। तो ये सप्ताह अगर चंद्रमा की बात मैं करूँ तो 27 मई को चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। ये शुभ और लाभकारी स्थिति होगी चंद्रमा के लिए, क्योंकि ये इनके मित्र की राशि है। 28 और 29 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, लेकिन मकर राशि के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है, अतः चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण गज केसरी योग बनेगा, अतः यह समय थोड़ा सा संघर्षमय रहेगा लेकिन सफलता के रास्तों को अवश्य खोलेगा। 30 तारीख और 31 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, अतः इस समय थोड़ा सा आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, डिप्रेशन से बचना पड़ेगा। 1 जून और 2 जून को जो है चंद्रमा रहेंगे मीन राशि में, मित्र की राशि है लेकिन मंगल और राहु के युति होने के कारण मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, अतः जो समझ में ना आए वो काम को आप 1 और 2 जून को ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए, चंद्रमा की गोचर की बात तो मैंने कर लिया है, अब प्रारंभ करता हूँ मेष से लेकर मीन राशि वाले पूरे सप्ताह का संपूर्ण हाल, जिसमें राशिफल के श्रृंखला में सभी को पता है सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूँ मेष राशि। मेष राशि 27 मई को चंद्रमा भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, अतः ये आपके लिए धार्मिक स्थल की यात्राओं के लिए लाभकारी स्थिति है। कोई संपत्ति प्रॉपर्टी के लिए कुछ विशेष लाभ के योग देखने को मिलेंगे। माता और पिता से इस समय तालमेल की स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। प्रमोशन के चांसेस के कुछ विशेष रास्ते आपके इस समय खुलते हुए नजर आएंगे। कोई गुप्त शत्रु या सरकारी काम का तो कुछ लाभ मिलता हुआ नजर आएगा ही, जिनकी शिक्षा अधूरी छूट चुकी थी पूर्ण होने की संभावनाएं बन जाएंगी। 28 और 29 तारीख को गज केसरी योग है, अतः नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि रहेगा। अगर आप प्रशासनिक क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं तो विशेष सफलता मिल सकता है, या पॉलिटिक्स क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। संपत्ति की प्राप्ति होगी, कोई गृह प्रवेश से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। कोई घर में अगर रेंट वगैरह नहीं लग रहा उससे लाभ की स्थिति बनेगी। खुद की कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का भी लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। पिता और माता के स्वास्थ्य में सुधार के अलावा जो है आपके कर्म क्षेत्र में आपकी काफ़ी तारीफ की जाएगी। जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए हैं, जिनको नौकरी व्यवसाय बिल्कुल बंद हुआ पड़ा था, वो प्रारंभ होने की संभावनाएँ बनती हुई नजर आएंगी। 30 तारीख और 31 तारीख को विदेश यात्रा का योग अच्छा है, इनकम के रास्ते प्रारंभ होंगे। लव लाइफ के लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा, विवाह के लिए भी ये समय बहुत ही बेहतर रहेगा, योग अच्छे बनेंगे। कोई इंटरव्यू या रिजल्ट है तो उसमें सफल होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। मन आपका पढ़ाई में लगता हुआ नजर आएगा। लॉटरी सट्टा से मार्केट में कुछ लाभ की संभावनाएं बनेंगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ बहुत ही बेहतर मिलेगा। बड़े भाई बहनों को लेकर के कोई विशेष मन में परेशानियां हैं वह दूर होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात इस समय एक यह है कि आप लोन या कर्ज लेना चाहते हैं तो कुछ लाभ की संभावनाएं बनेंगी। धन का लाभ बहुत ही अच्छा है, कुछ संपत्ति से लोगों के धन की प्राप्ति हो सकती है। 1 जून और 2 जून की बात अगर मैं करूं तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा अस्थिरतापूर्ण रहेगा, अतः इस समय कानूनी पछड़े को लेकर के थोड़े से डिस्टर्बेंस आ सकती है। गुप्त शत्रु इस समय थोड़ा सा परेशान आपको कर सकते हैं, इस समय पैसे का इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़ा सावधान रहें। साथ में किसी प्रकार का फ्रॉड या स्कैंडल हो सकता है तो किसी पर विश्वास करने से पूर्व हजारों बार सोच लीजिएगा। साथ में जो है इस समय कोई अगर केस मुकदमा है या कोई बेल वगैरह के लिए आप अपील कर रहे हैं तो सावधान रहिए। छुट्टी लेके जाने का कोशिश इस समय नहीं करिएगा, जॉब में कुछ आपके खिलाफ गलत षड्यंत्र हो सकता है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान विष्णु को 1 पीस केले का भोग अवश्य लगाइए। वृषभ राशि वाले, चलिए जानते हैं आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल कैसा है। वृषभ राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 27 तारीख को पारिवारिक तालमेल अच्छा होगा।
आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, ससुराल पक्ष से तालमेल की स्थितियों में सुधार होगा। कोई दोस्त है, मित्र है या फिर किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जो आपको बड़ा नुकसान दे रहा है, आप उससे रिश्ता बिल्कुल ख़त्म करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। साथ में आप अपने जीवन में पारिवारिक दायित्व को बहुत अच्छे से निभाने वाले हैं। कोई संपत्ति रिलेटेड विवाद थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन ठीक रहेगा। हाँ, छोटे भाई बहनों के हेल्थ में थोड़ा सा सुधार अवश्य नज़र आता हुआ दिख रहा है। सरकारी कामकाज में थोड़ा सा पैसे लगाने से पूर्व विचार कर लीजिएगा। 28 और 29 तारीख को पदोन्नति प्रमोशन के लिए समय अच्छा है। आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ मिलता हुआ दिखेगा। साथ में आपके पुराने स्टाफ्स वगैरह अगर छोड़ के चले गए थे तो वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। आपके लव रिलेशन भी ठीक होंगे। द्वितीय विवाह को लेकर के रिश्ते खराब चल रहे थे उसमें बहुत ही बेहतर सुधार होने के योग बनेंगे। संपत्ति बंटवारा आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा और आपकी पब्लिसिटी और आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, यानी ग्रोथ अचानक मिल सकता है। अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड है तो आपकी ग्रोथ निश्चित तौर पर बढ़ेगी। सालों का प्रमोशन सेट होता हुआ नजर आएगा, मतलब होता हुआ नजर आएगा। कोई पासपोर्ट वीजा वगैरह लगाने को लेकर प्रयासरत है तो आप इस समय लगाइए, सफलता के रास्ते खुलेंगे। 30 मई और 31 मई को नए नौकरी व्यवसाय के लिए समय बहुत ही अच्छा है। ये माता पिता के स्वास्थ्य के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए भी समय बहुत ही बेहतर रहेगा। नए काम के आसार बनेंगे, प्रशासनिक या पॉलिटिक क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी। जो घर में काफ़ी समय से बैठे हुए थे उनके लिए तालमेल अच्छा है। जो अपने जीवन में प्रमोशन या इंक्रीमेंट को लेकर के जॉब छोड़ने का विचार कर रहे थे, होता हुआ नजर आएगा प्रमोशन और इंक्रीमेंट। पिता आपको बहुत बेहतर सपोर्ट करेंगे। साथ में आप संपत्ति का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुछ महंगे या तो गिफ्ट मिल सकते हैं या अपने परिवार से दूर है तो परिवार के पास जा सकते हैं या घर के आसपास ट्रांसफर पोस्टिंग के बेहतर योग बनते हुए नजर आएंगे। 1 और 2 तारीख को लव लाइफ में बहुत ही बेहतर सुधार होगा। पढ़ाई में भी बहुत बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। शिक्षा में बढ़ोतरी के साथ में काफ़ी समय से लव लाइफ में दूरियां बनी थी वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। वैवाहिक जीवन में अगर मिस गाइड कोई कर दिया गया था तो उसमें बहुत ही बेहतर सुधार के योग बनेंगे। मनोकामनाएं पूर्ण होते हुए दिखेंगी। इसके अलावा बड़े भाई बहनों और छोटे भाई बहनों से तालमेल तो अच्छा होता हुआ नजर आएगा ही आएगा। सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में यह देखने को मिलेगा कि इस समय आपका आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ता हुआ नजर आएगा। संपत्ति बंटवारा को लेकर के लाभ मिलेंगे, संपत्ति सेल होकर के लाभ मिलेंगे। संतान सुख या कंसीव होने का गुड न्यूज मिलता हुआ दिखेगा। संतान से कुछ समय से दूरियां बनी हुई थी और उसके करियर को लेकर फ्यूचर को लेकर परेशानी थी, उसमें बहुत ही बेहतर सुधार के योग बन सकते हैं। सबसे बड़ी बात है जहां भी आपके पैसे मोटे फंसे हुए थे वो सरकार का पक्ष हो या रिश्तेदार का हो या मित्रों का हो वो ठीक होगा। जीवन में लव लाइफ को लेकर के कुछ नए रिश्ते भी जुड़ सकते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को बतासे का या मिश्री का भोग लगाइए, बहुत बेहतर जाएगा। वृषभ राशि वाले, मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। मिथुन राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 27 तारीख को विवाह के योग बहुत ही अच्छे हैं। जीवन साथी से तालमेल ठीक होगा। बढ़िया नौकरी में परिवर्तन है, इंक्रीमेंट है, प्रमोशन है। कंपटीटर आपको दूर दूर तक हरा नहीं पाएंगे। जीवन के बड़े सम्मान लेंगे और मान सम्मान भी मिलता हुआ नजर आएगा। कहीं आपके फंड फंसे हुए थे वह निकलता हुआ नजर आएगा। पारिवारिक दूरियां बनी हुई थी वो ठीक होगा। साथ में प्रेम से विवाह के लिए परिवार के लोग नहीं मान रहे थे वह मानते हुए बिल्कुल 100% नजर आएंगे। आप स्थानांतरण कर सकते हैं अपने जीवन में, संपत्ति को लेकर के भी स्थानांतरण हो सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप किसी प्रतिबंध में या किसी प्रकार का कह सकता हूं कि आपके ऊपर कोई पनिशमेंट लगाया गया था, आप इससे बाहर निकलेंगे। सबसे बड़ी बात इस समय यह है, जिनका सालों से विवाह नहीं हो रहा था रिश्ते अच्छे सेट होंगे, दूरियाँ भी दाम्पत्य जीवन में ठीक होती हुई नजर आएंगी। सबसे बड़ी बात इस समय बेनिफिट आपको मिलेगा 28 और 29 तारीख को, जब चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि को देखेगा। जहां भी आपके पैसे फंसे हुए वो निकल जाएंगे। संपत्ति कोई लिटिगेशन वाला हुआ उससे लोग के धन की प्राप्ति होगी। अगर आपका डाइवोर्स रिलेटेड केस चल रहा है तो हो सकता है कि एलोमनी से रिलेटेड कुछ मोटे पैसे या मेंटेनेंस के पैसे आपको मिलते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक तालमेल अच्छा है, लव लाइफ के लिए समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन भले डिस्टर्ब हो लेकिन विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। मनी सेविंग के लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। अब अपने कंपनी में इंक्रीमेंट को लेकर के परेशान है वो होता हुआ दिखेगा और व्यवसाय में अचानक धन की प्राप्ति बहुत ही बेहतर होते हुए नजर आएगी। 30 और 31 तारीख को प्रमोशन सॉलिड है। साथ में जो है धार्मिक स्थल की यात्रा के अलावा विदेश यात्रा के संजोग बहुत ही अच्छे हैं। इंक्रीमेंट के साथ आपको नौकरी में परिवर्तन करना है तो 30 और 31 तारीख को बेहतर ऑप्शन मिलेगा। सरकारी कर्म क्षेत्रों का बहुत ही बेहतर लाभ मिलता हुआ दिखेगा। जीवन साथी की तरक्की बहुत ही बेहतर मिलते हुए दिखेगी। संतान सुखों की प्राप्ति है। कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो उसमें आप 100% पास होते हुए नजर आएंगे।
जिनकी पढ़ाई अधूरी छूट चुकी थी वो ठीक होगा। प्रथम संतान की तरक्की के तो रास्ते खुलेंगे ही, लॉटरी सट्टा में आपका भाग्य साथ देगा, बढ़िया लाभ की प्राप्ति होते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप विदेश यात्रा को लेकर कोई डॉक्यूमेंट को लेकर परेशान है, बिल्कुल परेशान ना हो, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड समस्याएं भी दूर हो रही हैं, मतलब विदेश जाने को लेकर के भी। 1 और 2 जून का समय बहुत ही अच्छा है, ये आप दुनिया में अपना नाम कमाएंगे। अगर प्रशासनिक या पॉलिटिक्स में है तो बहुत बड़ा आपको गुड न्यूज मिलेगा। इसके अलावा पब्लिसिटी आपकी बहुत ही बेहतर बढ़ रही है। इंक्रीमेंट के साथ नई नौकरी में परिवर्तन होगा, माता पिता का स्वास्थ्य ठीक होगा, संपत्ति की प्राप्ति होगी, सामाजिक वैल्यू बढ़ेगी। कर्म क्षेत्र में कोई आपको नीचा गिरा रहा था, आपकी चरित्र को लेकर गलत बातें कर रहा था, सभी के सामने आप एकदम 100% अच्छे साबित होते हुए नजर आएंगे। साथ में जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए थे, मत चिंता कीजिए, इस समय नौकरी के योग बहुत ही बेहतर बनते हुए नजर आ रहा है। विवाह के योग भी इस समय काफ़ी अच्छे होंगे, ससुराल पक्ष से आपके तालमेल काफ़ी अच्छे होते हुए नजर आएंगे। आप काफी समय से व्यवसाय में परिवर्तन करना चाह रहे थे, बहुत ही बेहतर ऑप्शन मिलता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात इस समय क्या है कि आपकी कोई संपत्ति वगैरह रेंटेड नहीं हो रही थी तो वो लगेगी, संपत्ति का सुख बहुत ही बेहतर मिलता हुआ नजर आएगा। आपको पता है आप इस समय कर्ज की भी मुक्ति बहुत हद तक करेंगे, क्योंकि धन आएगा तो आप कर्ज की मुक्ति भी करते हुए नजर आएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर अगर बनाना चाहते हैं तो मैं एक ही बात बोलूंगा, जल में दूध मिलाइए और प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को भोग लगाइए थोड़ा मिश्री डाल के, और स्वयं भी प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण कीजिए, बहुत बेहतर जाएगा पूरा सप्ताह, और निकलिए प्रसाद ग्रहण करके। कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं आपके जीवन में कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। कर्क राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत 27 तारीख को जो है, आप अपने जीवन के छोटे छोटे लोन और कर्ज की समाप्ति करेंगे। ये समय काफ़ी प्रेशर वाला, थोड़े आलस्य वाला और थोड़े अस्वस्थता आपको देखने को मिल सकता है। इस समय कुछ लोग आपको थोड़ा गलत डिसीजन दे सकते हैं, परिवार के ही कुछ लोग आपके पैसे का बड़ा नुकसान दे सकते हैं, सावधान रहना पड़ेगा। गलत इन्वेस्टमेंट आपको इस समय परेशान कर सकता है। छोटे भाई बहनों को लेकर थोड़ी सी मतभेदता और पिता को लेकर के भी थोड़ी सी आय स्थिरताएँ देखने को मिल सकती हैं। अतः इस समय आप अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखिए, कॉन्फिडेंस में रहिए, और मित्रों के बीच में गुप्त शत्रु को पहचानिएगा। मतलब मैं तो यही बोलूंगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व 1000 बार सोच लीजिएगा। 28 और 29 तारीख को विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, क्योंकि ये समय गज केसरी योग का है और चंद्रमा अपनी राशि को भी देखेगा। मान सम्मान आपको वापस लौटेगा, जीवन साथी से दूरियां थी वो ठीक होगा, आपके जीवन साथी के दूर स्थानों पर जॉब था वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। आपकी पब्लिसिटी बढ़ेगी, काफ़ी समय से चाह रहे थे कि इंक्रीमेंट के साथ नौकरी में बेहतर परिवर्तन हो रहा है। संपत्ति बनाने के लिए 100% आप प्रेरित होते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में है कि संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। द्वितीय संतान को लेकर उसके भविष्य को लेकर परेशान है, वह दूर होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में यह भी है कि जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब था वह ठीक होगा। पार्टनरशिपिंग का लाभ के अलावा कोई मोटा इन्वेस्टमेंट चाहिए वो मिलता हुआ नजर आएगा, परंतु यात्रा में थोड़ी सावधानी, चोट चपाट लग सकता है। 30 और 31 तारीख को जो है आपके जीवन में थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। इस समय आय स्थिरताएं ससुराल पक्ष की लेकर के डिस्टरबेंस हो सकता है। इस समय आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी, लेकिन खानदानी संपत्ति का विवाद दिख रहा है। ससुराल से अलग होना चाहते हैं तो ये समय बहुत ही बेहतर रहेगा, लेकिन इस समय आप अपने आप को जितना आत्मविश्वासी रखेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि अष्टम भाव में विष योग है तो मन में कुछ नेगेटिव ख्याल भी आ सकता है। कभी कभी इतना ज़्यादा नेगेटिव ख्याल आएगा तो आपको लगेगा कि आप लाइफ में कुछ कर भी पाएंगे कि नहीं, नहीं कर पाएंगे तो फिर जीने से क्या फ़ायदा, इस तरह के गलत विचार मन में उत्पन्न होगा और आपको इसको आत्मविश्वास करके रखना पड़ेगा। कुछ लोग इस समय आपकी कमियों को निकालेंगे, कोई बात नहीं, बुरे वक्त में तो भगवान भी इंसान को नहीं छोड़ता, तो इंसान का तो खैर बहुत दूर की बात हो गई। इसके अलावा जो है इस समय आपको थोड़ा सा इस मामले में सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ से धन की प्राप्ति के योग तो खुलेंगे, लेकिन कुछ लोग शत्रु बन जाएंगे आपके मित्र पैसे के लालच में। लेकिन आगे का समय बहुत अच्छा है। 1 और 2 जून को पदोन्नति प्रमोशन है, आत्मविश्वास लौटेगा। जहाँ जहाँ परिवार के पास, मित्रों के पास आपके पैसे फंसे थे वो निकल जाएगा। आप अच्छी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं करेंगी। विदेश यात्रा के लिए समय बहुत ही बेहतर है। पुराने मित्रों से रिलेशनशिप ठीक होगा, लॉटरी सट्टा का लाभ मिलेगा, भाई बहनों से रिश्ते ठीक होंगे, संपत्ति का लाभ मिलेगा, कुछ गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है और प्रमोशन के योग भी बनते हुए दिखेंगे। आप जितने नेगेटिव थे 30 और 31 तारीख को उतने ही पॉजिटिव होते हुए दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में आपका पिता का सपोर्ट और सीनियर अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा, जो लाइफ को बिल्कुल चेंज करता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन हनुमान जी को 1 पीस लड्डू का भोग लगाइए और पूरे सप्ताह सफेद धागा अपने दाहिने हाथ में बांध करके रखिएगा। सिंह राशि वाले,
चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। सिंह राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत 27 तारीख को संतान के स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां हैं वो ठीक होगा। 27 तारीख को कोई जॉब या इंटरव्यू का डेट आपका सेट होता हुआ नजर आएगा। जहां जहां आपके पैसे फंसे वो ठीक होंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में हो या लव रिलेशन में इमोशनल अटैचमेंट जो बिल्कुल खराब हुआ पड़ा था, इसमें बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। स्थानांतरण को लेकर के कुछ बेहतर ऑप्शन नहीं थे वो मिलते हुए दिखेंगे। विदेश यात्रा को लेकर के स्थितियां ठीक है। संतान के शिक्षा को लेकर परिस्थिति ठीक है। पढ़ाई को लेकर ठीक है। संतान कंसीव करने को लेकर गुड न्यूज है। अगर आप लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो लाभ की संभावनाएं बहुत ही अच्छी बनती हुई नजर आएंगी। और सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में ये है कि मन चाहा घर का सुख मिलेगा अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो। 28 और 29 तारीख को गज केसरी योग है, अतः आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। विदेश यात्रा के लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। जो आपके गुप्त शत्रु आपके दुश्मन पड़े हुए थे या परिवार के लोग आपके शत्रु बने हुए थे उनसे तालमेल बेहतर होगा। मेंटल पीस मिलेगा। कहीं से भी धन की कमी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात इस समय सिंह राशि वाले आपके साथ ये रहेगा कि आप अपने जीवन में कोई भी फैसले बहुत ही सोच समझ करके लेने वाले रहेंगे। और द्वितीय संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। आप लोन और कर्ज की मुक्ति भी करने वाले हैं। और साथ में जो है सबसे बड़ी बात है कि जीवन में कुछ नया व्यवसाय का शुरुआत भी कर रहे हैं। काफ़ी समय से छुट्टी वगैरह नहीं मिल रहा था तो लंबे छुट्टी में आप जा सकते हैं, वेकेशन में जा सकते हैं। विदेश यात्रा को लेकर कानूनी अड़चनें भी दूर हो रही हैं। 30 और 31 तारीख को वैवाहिक जीवन में सुधार है। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। द्वितीय संतान कंसीव होने का या उसके हेल्थ में सुधार होगा। पार्टनरशिपिंग में आप काम कर सकते हैं। पुराने मित्रों से आपकी मित्रवत संबंध ठीक होते हुए नजर आएगी जो काफ़ी समय से खराब था। जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था उसमें सुधार होगा। जीवन साथी से कुछ महंगे गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है। और सबसे बड़ी बात इस समय क्या है कि कुछ लोन और कर्ज को आप समाप्त करने में सक्सेस होते हुए नजर आएंगे। ससुराल पक्ष से भी कुछ हद तक तालमेल ठीक होता हुआ नजर आएगा। 1 और 2 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट जीवन साथी से जरूर होगा लेकिन फाइनली ये स्थिरता की ओर जाएगा। धन की प्राप्ति हो सकती है लेकिन इस समय धन व्यय में खर्चा हो सकता है। मतलब पैसे बहुत सोच समझ के आप खर्च करिएगा तो बेहतर रहेगा। और साथ में इस समय जो है आपके जीवन में सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई कानूनी अड़चने हैं तो उसमें बाधाएं दूर होंगी। पुराने संपत्ति का लाभ आपके जीवन में मिलता हुआ दिखेगा। किसी प्रकार का स्कैंडल या किसी प्रकार का धोखाधड़ी हुआ था तो उससे आप बचते हुए नजर आएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन 5 बार जो है आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर ये संभव नहीं हो सकता है तो प्रत्येक दिन जल में गुड़ डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कन्या राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 27 तारीख को भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ है। 27 तारीख को आपके कांटेक्ट बहुत ही बड़े बड़े लोगों से होते हुए नजर आएंगे। जो काफ़ी समय से नए नौकरी व्यवसाय को लेकर परेशान थे, मत होइए परेशान, ठीक होगा। इस समय आप पुराने लोन और कर्ज की मुक्ति करेंगे। विदेश यात्रा को लेकर के सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखेगा। अच्छे जगह पे एडमिशंस के चांसेस बनेंगे। माता और पिता से आपको धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। कोई घर वगैरह रेंट नहीं लग रहा था तो लगने के योग परफेक्ट बनते हुए नजर आएंगे। मतलब आप नौकरी व्यवसाय में तरक्की कर रहे हैं। 28 और 29 तारीख को चंद्रमा पंचम भाव में रहेंगे और गज केसरी योग रहेगा। जिसका सालों से संतान कंसीव नहीं हो रहा था वो होता हुआ दिखेगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छा है। इस समय आप कहीं यात्राएं कर सकते हैं। विवाह के योग अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात इस समय है कि लव मैरिज के लिए भी समय बहुत ही बेहतर रहेगा। आपका कोई जॉब है, इंटरव्यू है, रिजल्ट है या लॉटरी सट्टा से मार्केट में नुकसान हो रहा था वो प्रॉफिट में बदलता हुआ दिखेगा। परिवार में बड़े भाई बहनों को लेकर, उसके करियर को लेकर, विवाह को लेकर बहुत परेशानियाँ थी वो दूर होता हुआ दिखेगा। संपत्ति परफेक्ट मिल गया है लेकिन मोटे पैसे आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो उसमें बहुत बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में एक यह भी लाभ देखने को मिलेगा कि आपके गवर्नमेंट के पास भी कुछ फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे और आप जिनका पढ़ाई सालों से रुका हुआ था रिकंटिन्यू चालू हो जाएगा। 30 और 31 तारीख का समय आपके लिए जो है थोड़ा सा दिक्कत है। समय गुप्त शत्रु परेशान कर सकते हैं। परिवार के लोगों का असली चेहरा सामने आएगा। जिनको आप अपने बहुत बड़े मित्र समझते थे वो दुश्मन बनते हुए नजर आएंगे। आप लोन और कर्ज की समाप्ति करेंगे। अपने पैसे को या अपनी सीक्रेट बात को छुपा के रखिएगा नहीं तो लोग आपके दोस्त दुश्मन बनने में टाइम नहीं लगेगा।
इसमें विदेश यात्रा को लेकर कोई भी गलत डॉक्यूमेंट का यूज नहीं कीजिएगा, कानूनी पछड़े में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए कन्या राशि वाले, और पारिवारिक दायित्वों पर आँख बंद करके पैसे इन्वेस्ट मत कीजिएगा, कुछ गलत इन्वेस्टमेंट आपको डिस्टर्ब कर सकता है। 1 और 2 तारीख को आप बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट होंगे, पैसे की कमी नहीं है, सालों से ढंग का विवाह का रिश्ता नहीं आ रहा था वो आता हुआ दिखेगा, सेपरेशन थी, दूरियां थी, तो वो भी जीवन साथी से ठीक होगा, इन्वेस्टमेंट मिलेगा आपके जीवन में, नौकरी में इंक्रीमेंट के साथ बदलाव के संजोग बहुत ही अच्छे हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का लाभ बहुत बढ़िया मिलता हुआ दिखेगा। 1 और 2 तारीख को सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपने जीवन में तर्कवादी इंसान बन करके अपनी बातों को लोगों के समक्ष मनवाने में सफल हो जाएंगे और ससुराल पक्ष से भी तालमेल बेहतर होगा। बड़े भाई बहनों से संपत्ति या प्रॉपर्टी का विवाद भी आपके फैसले में सपोर्ट में आता हुआ दिखेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, आटे का चूरमा बना करके प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को भोग लगाइए और स्वयं भी प्रसाद के रूप में खाएं, मखाना में अवश्य डालिएगा। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। तुला राशि वाले, जीवन में पहले सप्ताह का शुरुआत यानी 27 मई का जो शुरुआत है आपके जीवन में, बड़ा आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ होगा। आप नए नौकरी के तलाश में थे, वह मिलता हुआ नजर आएगा। संपत्ति विवाद के लिए कुछ फैसले आपके सपोर्ट में मिलेंगे, पिता आपको कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, संपत्ति बंटवारा आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। इस समय आपकी रुकी हुई शिक्षा पूर्ण होंगी, अच्छे जगह पर एडमिशन्स के चांसेस बनते हुए नजर आएंगे। कोई धार्मिक यात्रा के लिए आप प्लानिंग सेट कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के आपके बहुत ही अच्छे सुधार होते हुए दिखेंगे। पुराने रिलेशनशिप जो लोगों से खराब हो चुके थे वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। द्वितीय विवाह के लिए यह समय बहुत ही बेहतर रहेगा। अगर द्वितीय विवाह को लेकर परिवार के लोग नहीं मान रहे थे, खास करके आपके पिता नहीं मान रहे थे, तो 100% मानते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे बेहतर तो 28 और 29 तारीख को है। नई नौकरी के लिए समय अच्छा है, व्यवसाय में जबरदस्त तरक्की है, पॉलिटिक्स राजनीतिक पकड़ में आपका बहुत ही बेहतर, सामाजिक वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला रहेगा। मानसिक शांति आपके जीवन में देखने को मिलेंगी। आपको कोई संपत्ति वगैरह रेंटेड नहीं है वो लग जाएगा, संपत्ति में विवाद है वो ठीक होगा, माता का स्वास्थ्य ठीक होगा, पारिवारिक तालमेल में बहुत पैसे खर्च हो रहे थे उसके निश्चित दायरे सेट होंगे। आप अपने ऑफिस में व्यर्थ के एम्प्लॉय का छटनी करके अपने खर्च को कंट्रोल करेंगे। जो सालों से बैठे हुए थे, जिनको लगता था अब जीवन जीरो हो चुका, उन्हीं का तरक्की का बेहतर रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में है कि लोन लेना चाहते हैं तो आपका समय बहुत ही बेहतर नजर आ रहा है, और पिता का हेल्थ और माता के हेल्थ में सुधार होगा, मतलब इस तरह के भी खर्च से आप बच रहे हैं। 30 और 31 तारीख को बल्ले बल्ले है, लगा दे नोटरी सट्टा से मार्केट में पैसा, योग अच्छा है, धन की प्राप्ति है, बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छा है। इसके अलावा जो है आपके जीवन में सबसे बड़ी बेनिफिट इस समय एक चीज़ यह देखने को मिलेंगी कि जिनका सालों से संतान कंसीव नहीं था वो ठीक होगा। संतान का स्वास्थ्य बहुत खराब चल रहा है इस समय, इसमें बेहतर सुधार होता हुआ नजर आएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रेम टू विवाह, मतलब प्रेम विवाह के योग, लव मैरिज के योग संजोग अच्छे हैं। विदेश यात्रा के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। 1 और 2 तारीख को जो है आपके जीवन में कुछ शत्रु या परिवार के लोग आपको व्यर्थ की बातों को लेकर डिस्टर्ब कर रहे, परेशान कर रहे हैं, तो इससे आप बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। साथ में पारिवारिक प्रॉपर्टी बंटवारा आपके फेवर में आता हुआ नजर आएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, पारिवारिक तालमेल अच्छे होंगे, विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे। इस समय आप अपने लोन और कर्ज की समाप्ति करेंगे, और आपके गुप्त शत्रु ही, गुप्त दोस्त ही आपके दुश्मन बन के बैठे, उनका भी असली चेहरा सामने आएगा। हाँ, इस समय मामा मौसी रिश्तेदार चाचा भाई बहनों के द्वारा कुछ धन मांगा जा सकता है, मत खर्च कीजिएगा, और अपने अंडर जो एम्प्लॉय को रखे हैं उसके ऊपर भी पूर्ण विश्वास मत कीजिएगा, कुछ लंबा नुकसान दे सकता है। यानी गुप्त शत्रु से बचने का ये समय आपके लिए रहेगा, और किसी भी प्रकार से अपयश या अपव्यय से बचिएगा, हो सकता है बेवकूफ़ बना के ये गलत प्रेम विवाह लव लाइफ में कुछ पैसा खर्च करवा दिया जाए। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना है, प्रत्येक दिन भगवान शिव को रबड़ी का भोग लगाइए और आप इसी को खा करके घर से निकलिए, पूरा सप्ताह बल्ले बल्ले होने वाला रहेगा। तुला राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत बहुत ही मार्वलस है, यानी आपके जीवन में 27 मई को चारों तरफ से धन की प्राप्ति के विशेष योग हैं। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा रहेगा। जिनके काफ़ी समय से विवाह के योग नहीं आ रहे थे वह आते हुए नजर आएंगे।
इस समय प्रमोशन के साथ आपको नौकरी चेंज करना था, इंक्रीमेंट के साथ नौकरी चेंज करना था, उसी तरीके का होगा। आपके व्यापार में पूरे पुराने कस्टमर जो चले गए थे वापस आएंगे, फंड भी आपको मोटा देने वाले हैं, मोटा इन्वेस्टमेंट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। जीवन में कोई, लव लाइफ में कोई जुड़ सकता है आपके साथ, मनी सेविंग के लिए बहुत ही बेहतर है। अचानक कोई संपत्ति का फैसला आप ले सकते हैं, लेकिन ले सकते हैं। 28 और 29 तारीख को संपत्ति विवाद खत्म होगा। इस समय आपके जीवन में जो है पारिवारिक तालमेल अच्छा है, छोटे भाई बहनों से प्रॉपर्टी का विवाद भी सॉल्व होता हुआ दिखेगा। संपत्ति बंटवारा इसी समय होगा। सीनियर अधिकारियों का सपोर्ट प्रॉपर मिल रहा है। मनचाहा आपकी पोस्टिंग होते हुए नजर आएंगे। धार्मिक यात्राएं करेंगे। विदेश जाने के लिए वीजा या पासपोर्ट या ग्रीन कार्ड को लेकर गुड न्यूज मिलता हुआ दिखेगा। पिता से कुछ कुछ सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में यह भी देखने वाली बात है कि कोई पुराने नौकर चाकर या स्टाफ या कोई आपको धोखा दे रहा था, तो उनसे भी आपका पीछा छूटता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय जो है आपको घर बनाना था लेकिन लोन नहीं पास हो रहा था, तो वो होता हुआ नजर आएगा। 30 और 1 तारीख तो इतना बढ़िया है कि किसी को व्यापार करने के लिए मोटा इन्वेस्टमेंट चाहिए या पार्टनर चाहिए, मिल जाएगा। जो सालों से घर में बैठे हुए थे ना, उनकी ही तरक्की का सबसे बेहतर योग है। आपके जीवन में संपत्ति का योग अच्छा है, सामाजिक वैल्यू बढ़ेगी। कुछ लोग या परिवार के लोग आपके समाज में इज्जत को तार तार कर दिए थे, वो इज्जत पुनः वापस आता हुआ दिखेगा। आपके व्यापार में इतने धन आ जाएंगे इन 2 दिनों में कि पुराने पेंडिंग काम को पूर्ण करते हुए दिखेंगे। माता का भी सपोर्ट है जो नहीं था, पिता का भी सपोर्ट है, ससुराल वालों से भी सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। जीवन साथी के द्वारा भी आपको सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। जिनको द्वितीय विवाह करना है या किसी प्रकार के गुप्त रिश्ते में है, सीक्रेट लाइफ जी रहे, तो वो पब्लिकली होगा और आपके जीवन में इसके फैसले बहुत ही अच्छे आएंगे। पिता और माता आपको खुद संपत्ति का लाभ देंगे। पुराने नौकर चाकर आपके छोड़ के चले गए थे वो वापस आता हुआ नजर आएगा। आपके स्टाफ के अंदर जो भी बिजनेस चल रहा है, इंक्रीमेंट के साथ उनकी तरक्की होगी और आपको व्यापार में बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखेगा। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने जीवन में उच्च क्षेत्र की ओर जाएंगे और अगर प्रशासनिक पॉलिटिक्स में, तो बड़ा लाभ मिलने वाला है। 1 और 2 तारीख को बल्ले बल्ले है। लॉटरी सट्टा से मार्केट का लाभ है। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। चारों तरफ से धन की प्राप्ति है। मेंटल पीस होता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात 1 और 2 तारीख को यहाँ पे एक चीज़ यह भी है कि जिनका सालों से संतान कंसीव नहीं हो रहा था, वो ठीक होगा। आपके लव लाइफ में दिक्कतें थी, वो ठीक होगा। विदेश जाके बड़ा पढ़ाई करना है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होते हुए दिखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपको मनचाहा नौकरी नहीं मिल रहा था, वह मिलेगा। आपकी सामाजिक वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपने संतान के भविष्य को लेकर, विवाह को लेकर परेशान हैं, वह भी ठीक होगा। सच्चाई देखो क्या, मैं खुल के बताता हूँ, ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा आपका। सबसे बड़ी बात है कि सालों का प्रमोशन भी होगा। पिता आपको बहुत ही प्रॉपर सपोर्ट करेंगे। जीवन साथी का सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जीवन साथी किसी प्रकार के नौकरी को लेकर प्रयासरत है, उनकी भी तरक्की हो रही है, उनसे कुछ गिफ्ट की भी प्राप्ति हो सकती है। चारों तरफ से अच्छा है। जीवन साथी के बीच में आपके दोनों में सेपरेशन था ना, वो साथ होता हुआ भी नजर आएगा। मतलब बहुत बढ़िया समय है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व दही का सेवन अवश्य करके निकलिए। क्या बोलूं, सबसे सॉलिड जाने वाला है। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। धनु राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 27 तारीख को आपके कांटेक्ट बहुत ही बड़े बड़े लोगों से स्थापित होंगे। 27 तारीख को मेंटल पीस मिलेगा। पारिवारिक तालमेल आपके ठीक होंगे। विवाह के योग बहुत ही अच्छे बनेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपको मोटा इन्वेस्टमेंट या धन की प्राप्ति चाहिए, मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत डिप्रेशन में थे, उससे बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। नौकरी में बेहतर बदलाव होगा। ससुराल पक्ष की तरफ से कुछ धन की प्राप्ति के योग बनते हुए आसार नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने जीवन में विवाह को लेकर के ढंग के रिश्ते नहीं थे, आपके मन लायक रिश्ते नहीं थे, तो मन लायक रिश्ते भी नजर आते हुए दिखेंगे। 28 और 29 तारीख को जो है नौकरी व्यवसाय में बदलाव अच्छा है। गज केसरी योग होने के कारण जो जो लोगों से आपकी बातें खराब हो रही थी, जो जो लोग आपसे मिलना नहीं चाह रहे थे, ठीक होगा। इस समय मनी सेविंग के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा, ऊपर वाले की कृपा से। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको ससुराल की संपत्ति प्राप्त होगी, खानदानी संपत्ति इस समय प्राप्त होगी। किसी प्रकार का कोई व्यर्थ का केस मुकदमा या गलत एलिगेशन लगा दिया गया था, इन सभी चीज़ों से आप बरी होते हुए नजर आएंगे। कुछ लोग आपको बदनाम कर रहे थे, गलत बातें फैला रहे थे, उसमें बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। पत्नी के घर के तरफ से तालमेल, मैंने बताया कि बहुत ही अच्छा होता हुआ दिखेगा।
रहेगा। आप मनी शेविंग के लिए बहुत ही बड़े बड़े फैसले लेंगे, मोटा इन्वेस्टमेंट पैसे आपको जमा करने की ओर लेके जाएगा। कोई अगर आपको व्यर्थ का ब्लैकमेल कर रहा था या गलत बातें बोल रहा था, फर्जी बातें कर रहा था या गलत रिश्ते में फंसाने का डर था या फंसने का डर था, इससे आप बाहर निकलते हुए दिखेंगे। नौकरी में बड़ा बदलाव है, ये सबसे बड़ा अच्छा रहेगा। 30 और 1 तारीख को बहुत बढ़िया समय है। इस समय थोड़ा डिप्रेशन आपको रहेगा, तो सबसे पहला बात कि इस समय आप अपने आप को बहुत ही विश्वासी रखिएगा, कॉन्फिडेंस रखिएगा। इस समय दोस्त और दुश्मन दोनों से तालमेल अच्छा होगा। आप डिसाइड कीजिए किससे तालमेल अच्छा रखना है। सीनियर से तालमेल अच्छा रखेंगे प्रमोशन दे देगा। संपत्ति का विवाद होगा, संपत्ति सेल होगा लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे कीमत पर नहीं होता हुआ नजर आएगा। इस समय नई नौकरी के लिए योग अच्छा है। जिनका पढ़ाई खत्म हो चुका था दोबारा रिकंटिन्यू होने के योग बनेंगे, लेकिन इस समय थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा। हाँ, इस समय एक बात मैं आपको अवश्य बताना चाहता हूँ कि ये जो समय है पिता के स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आप चाह रहे थे कि भाई बहनों से अलग होकर के जीवन में अच्छे रिश्तों की ओर जाए, तो ये समय भाई बहनों से अलग होने का तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, इस समय जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। 1 और 2 तारीख का बहुत अच्छा है। लॉटरी सट्टा से मार्केट का लाभ है। खुद का घर अगर अधूरा छूट चुका था तो वो बनना प्रारंभ हो जाएगा। मेंटल पीस मिलेगा। जो समय बहुत समय से घर में बैठे हुए थे ना, मतलब हार चुके हैं, अब आपको लग रहा है कि लाइफ में कुछ होने का है ही नहीं, आप ही की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। व्यापार में मोटे कस्टमर आएंगे। जीवन साथी का सपोर्ट अच्छा है। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात है कि पिता का सपोर्ट अच्छा है, माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। धार्मिक उत्सव होंगे फैमिली में, साथ में आपके आचरण कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छा होगा। आप अपने स्वयं के आइडेंटिफिकेशन लोगों को बताते हुए नजर आएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए अगर गुड़ का रसगुल्ला भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं और खा के घर से निकलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर इनकेस ये नहीं हो सकता है तो प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को कपूर की आरती दिखा दीजिएगा। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मकर राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत ऊपर वाले की कृपा से बहुत ही अच्छा हो रहा है, क्योंकि 27 तारीख को मित्र की राशि में चंद्रमा है, तो 27 तारीख को आप अपने जीवन में बहुत सारे लोन और कर्ज की समाप्ति करते हुए नजर आएंगे। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय मकर राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 27 मई को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश भाव पे गोचर करेंगे, अतः इस समय कुछ गलत इन्वेस्टमेंट को लेकर परेशानियां हो सकती हैं। इस समय थोड़े से लव लाइफ को लेकर के काफ़ी खटपट या मतभेदता आपके जीवन में देखने को मिलेंगी। इस समय कोई गुप्त शत्रु जो है आपको डिस्टर्ब कर सकता है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी अस्थिरता या परेशानियां देखने को मिल सकता है, अतः जीवन साथी के प्रति बहुत ही ज़्यादा स्नेह और सद्भावना की स्थिति को रखिएगा, नहीं तो किसी प्रकार के डिस्टर्बेंस आपके जीवन में खड़ी हो सकती है। इस समय ऐसा कोई भी काम मत कीजिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा धन का हानि हो या सामाजिक इम्पोर्टेंट या वैल्यू खत्म हो सकता है। नए पार्टनरशिपिंग में इस समय जुड़ने से पहले 20 बार आप सोच लीजिएगा, और साथ में व्यापार में कुछ परिवर्तन करने से पूर्व जो है आप स्टाफ्स की बहाली वगैरह पे विशेष फोकस करके रखिएगा। 28 और 29 तारीख का समय ठीक है। आपका लव लाइफ भी ठीक होगा, आपके वैवाहिक जीवन भी ठीक होगी, मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा, जीवन के बड़े बड़े काम में आप सफलता के रास्तों को खोलेंगे। इस समय काफ़ी समय से आप अपने जीवन के कोई नए प्रोजेक्ट चालू करना चाह रहे थे, उसमें होंगे मोटे मोटे इन्वेस्टमेंट आपके जीवन में आते हुए दिखेंगे। पार्टनरशिपिंग के साथ काम करने का संजोग बहुत ही बेहतर है। इन दिनों द्वितीय संतान के भविष्य को लेके या उसके स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, इसमें बहुत ही बेहतर सुधार के योग देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसमें बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा, और विवाह के कुछ ऐसे रिश्ते भी आएंगे कि आपको स्वयं अप्रोच किया जाएगा कि आप चाहें तो विवाह के रिश्ते हमारे फैमिली के साथ बढ़ा सकते हैं, यानी आप जिनसे विवाह करना चाहते थे वही रिश्ते आपके पास इस समय आते हुए दिखेंगे। मेंटल पीस है। जीवन में कोई प्रेशर है या अस्थिरताएं हैं, क्योंकि गज केसरी योग है, इसको बहुत ही अच्छे से आप साबित करेंगे, मतलब डिप्रेशन में आप नहीं आ रहे भले ही कोई कितना भी कोशिश करते। 30 और 31 तारीख को धन की प्राप्ति है। कुछ पुराने कस्टमर आपको धन देंगे। व्यापार में मोटा बदलाव होता हुआ दिखेगा। कॉन्टैक्ट आपके बड़े बड़े लोगों से होते हुए दिखेंगे। जीवन साथी से आपके तालमेल बहुत ही अच्छे होते हुए दिखेंगे। इस समय हेल्थ को लेकर परेशानियां हैं, सर दर्द, गले में टॉन्सिल, इन चीज़ों से आप बचते हुए नजर आएंगे।
इस समय प्रेम से विवाह के लिए अचानक बड़ा रिश्ता सेट हो सकता है। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा नहीं था, येलो मनी या मेंटेनेंस को लेकर कुछ पैसे नहीं थे वो मिलते हुए नजर आएंगे, और साथ में इन दिनों थोड़ा स्मरण शक्ति को लेकर परेशानियां थी वह बहुत ही अच्छा सुधार होता हुआ दिखेगा। लंबी लंबी यात्राओं का इस समय बहुत ही बेहतर आपके जीवन में लाभ मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है आप कहीं जाने के लिए वीजा या पासपोर्ट का अप्लाई करेंगे वो आपके लिए फेवर में आता हुआ बहुत ही बेहतर नज़र आ रहा है। सप्ताह का अंतिम पड़ाव 1 और 2 जून जो है आपके लिए जबरदस्त है। उच्च शिक्षा का लाभ है, मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा। कोई मित्रों के पास, दोस्त यारों के पास कुछ पैसे फंसे हुए थे, रिश्तेदारों के पास कुछ पैसे फंसे हुए थे वो निकल जाएंगे। जिनको द्वितीय विवाह करना है या किसी रिलेशनशिप में है आप इसमें सफल होते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि सालों का प्रमोशन बेहतर सेट होगा। आप अपने जीवन में इस समय कुछ कुछ ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जो जनरली बहुत ही खतरनाक है, जैसे किसी रिश्ते से हट करके अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं वो बढ़ता हुआ दिखेगा। आप अपने जीवन में कोई मोटा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो दिखेगा। संपत्ति लाभ मिल सकता है, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा अचानक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है जो मनचाहे संपत्ति नहीं मिल रही थी। संतान कंसीव होने का योग है। इसके अलावा लॉटरी सट्टा से मार्केट में बहुत बेहतर लाभ के योग मिलेंगे। आप लोन और कर्ज की समाप्ति भी समय अचानक करते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में कि आपके मन में कोई ख्याल आ रहा है कि इस मुकदमा का या गलत लग रहा है कि किसी प्रकार के किसी आरोप में आप फंस सकते हैं, तो आप इससे बाहर निकल जाएंगे। मतलब रिलेशनशिप थर्ड पार्टी कारण ठीक हो जाएगा। सरकारी पक्ष में बहुत बढ़िया लाभ मिल रहा है। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को या तो मिश्री या बतासे का भोग लगाइए, थोड़ा सा प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए, बल्ले बल्ले हो जाएगा। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कुंभ राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 27 तारीख को आप अपने जीवन में धन कमाने की ओर प्रेरित होने वाले हैं। कहीं कहीं से आपको मोटा धन की प्राप्ति होते हुए दिखेंगे। प्रथम संतान से आई स्थिरताएं या डिस्टर्बेंस थी उसमें सुधार होगा, हालांकि संतान के स्वास्थ्य को लेकर के भी बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। इस समय बड़े भाई बहनों से अलावा छोटे भाई बहनों से तालमेल ठीक होंगे। चाचा वगैरह से किसी प्रकार के रिश्ते हैं या चचेरे भाई बहनों से किसी प्रकार का धन की प्राप्ति है तो उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन लव लाइफ में थोड़ी आर्ग्यूमेंट देखने को मिल सकती है। इस समय सबसे बड़ी बात क्या कि जिनकी पढ़ाई अधूरी छूट चुकी थी वो ठीक होगा। कोई जॉब है, इंटरव्यू है, उसमें सफल होंगे। कुछ हद तक शेयर मार्केट लॉटरी सट्टा में भी लाभ के योग दिख रहे हैं। विदेश जाने को लेकर के आप डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करने की कोशिश करेंगे, वीजा या पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे जो आपके फेवर में रहेगा। 28 और 29 तारीख को जो है ना गज केसरी योग है। ये जीवन में बड़ा परिवर्तन का समय होने वाला है। ये सप्ताह सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी समय से आपके दाम्पत्य जीवन में खटास था वो ठीक होगा। लोन या कर्ज या कहीं आपके मोटे धन फंसे हुए वो निकल जाएंगे। परिवार के लोग जो आपके गुप्त शत्रु बने हुए थे वो मित्र होते हुए नजर आएंगे। 28 और 29 तारीख को आप थोड़े सर दर्द, पेट की समस्या, हृदय से रिलेटेड समस्या से परेशान है उसमें सुधार होगा। जीवन में किसी प्रकार के रिलेशनशिप को लेकर डिस्टर्बेंस है वो कुछ ठीक होता हुआ नजर आएगा। केस मुकदमा में आपकी विजयी होते हुए नजर आएंगे। किसी प्रकार के स्कैंडल या ब्लैकमेलिंग या गलत आरोप में या गलत रिश्ते में आप थे, आपकी आंखें खुलेंगी और उससे बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में ये है कि आप कहीं यात्रा के लिए कहीं घूमने जा सकते हैं, धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। कोई इनकम टैक्स हो या गवर्नमेंट का कुछ भी परेशानियों हो उससे आप निकलते हुए बाहर आएंगे। 30 और 31 तारीख को आपके विवाह के योग बहुत ही अच्छे हैं। बड़े बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट है, यात्राएँ लाभकारी होंगी। प्रेम विवाह के लिए समय अच्छा है। जो अपने विवाह के लिए बहुत परेशान थे उनके लिए रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। द्वितीय संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। द्वितीय संतान का स्वास्थ्य ठीक होगा। द्वितीय संतान का रिजल्ट बहुत ही बेहतर आता हुआ दिखेगा। आपके कोई प्रतिद्वंदी है या कंपटीटर है जिनसे आप बचना चालू कर देंगे। इसके अलावा जो है सामाजिक वैल्यू आपकी बढ़ेगी, मतलब समाज में मान सम्मान जो खराब हो चुका था ना वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो काफ़ी समय से काफ़ी खराब स्थिति में था। इसके अलावा अगर मैं इस समय बात करूँ तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको मोटे इन्वेस्टर मिलेंगे या पार्टनरशिपिंग में कोई व्यापार आप चालू कर ही लोगे जो काफ़ी समय से सोच रहे थे। 1 और 2 तारीख तो बल्ले बल्ले है। जीवन में लव लाइफ को लेकर के कोई अच्छा बंदा या बंदी आएगी। जीवन में विवाह के लेकर बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते होंगे। ससुराल पक्ष की संपत्ति आपके नाम पे आने वाली है। इसके अलावा जो है कोई एलोमनी या मेंटेनेंस को लेकर के पैसे आएंगे। लव लाइफ में पहले से कुछ हार्ट टॉक या डिस्टर्बेंस था उसमें सुधार होता हुआ बहुत ही बेहतर नजर आएगा। दिमागी बीमारी,
टेंशन या डिप्रेशन या फिर कुछ भूलने की बीमारी वगैरह थी उससे आप सुधार हो जाएगा, जिन दिनों चल रहा था। मोटे धन की प्राप्ति होगी, पुराने कुछ फंसे हुए पैसे भी आपके जीवन में आते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात है, काफ़ी समय से नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना चाह रहे थे इंक्रीमेंट के साथ में, तो वो होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि कुछ लोग आपको प्रेशर डाल रहे थे जिनको आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे, प्रॉपर रिप्लाई करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ससुराल से अलग होकर के भी आप कहीं संपत्ति या प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? बहुत ही आसान उपाय, चूरमा का भोग प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को लगाइए, बहुत ही बेहतर रहेगा कुंभ राशि वाले। मीन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मीन राशि वाले, यह सप्ताह का शुरुआत यानी 1 और 2 तारीख जो है बहुत अच्छा है, नए नौकरी व्यवसाय के लिए समय अच्छा है। आपके माता और पिता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था उसमें सुधार होगा। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलता हुआ दिखेगा, यह सबसे बड़ी बात है। आपकी सामाजिक वैल्यू में सुधार होगी, आप अपने घर में रिनोवेट या कोई काम चालू कर सकते हैं। इसके अलावा मीन राशि वाले, आपके जीवन में जो आपके परिवार के ही लोग थोड़ा आपके गुप्त शत्रु या दुश्मन बने हुए थे वो ठीक हो सकता है। आप अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ एंटरटेनमेंट की वस्तुएं परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा द्वितीय विवाह को लेकर के ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, और साथ में जो है आपके पुराने स्टाफ या नौकर चाकर जो छोड़ के चले गए थे वो आएंगे, और जो घर में सालों से बैठे हुए थे उनके लिए समय अच्छा है, नौकरी लग रहा है। 28 और 29 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति है, संतान प्रथम संतान कंसीव होने का या उनसे तालमेल ठीक होगा। विदेश यात्रा के लिए समय बहुत ही अच्छा है, वीजा पासपोर्ट के लिए कुछ भी आप काम कर रहे हैं तो आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है बड़ी भाई बहनों से आपके कुछ धन की प्राप्ति या उनके साथ कहीं घूमने जाने की व्यवस्था बन सकती है। यात्राएं आपके जीवन में लाभकारी होगी, दाम्पत्य जीवन में तालमेल अच्छा होगा, जीवन साथी से कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा जो है आपके व्यापार में कुछ तरक्की खुल सकते हैं, पार्टनरशिपिंग का कुछ लाभ मिल सकता है, प्रेम से विवाह के योग अच्छे हैं, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा 30 और 31 तारीख को देखिए सावधानी रखना पड़ेगा, इस समय थोड़ा धन का व्यय हो सकता है क्योंकि इस समय वीसी योग रहेगा, आपको बेवकूफ़ बना करके फिर से आपका कोई मिसयूज कर सकता है या धन की हानि कर सकता है। प्रथम संतान को लेकर के दिक्कतें आएंगी, आर्ग्यूमेंट हो सकता है या उसके करियर को लेकर के थोड़ी सी डिस्टर्बेंस खड़ी हो सकती है, सिर दर्द, नेत्र रोग या फिर थोड़ा डिप्रेशन आपको इस समय परेशान कर सकता है क्योंकि शनि के साथ चंद्रमा की युति विष योग बन सकती है। सबसे बड़ी बात है कि दाम्पत्य जीवन में कुछ खटपट या मिस गाइड आपको कुछ लोग कर सकते हैं, मिस अंडरस्टैंडिंग के कारण बातें आगे बढ़ सकती हैं जिसके कारण केस मुकदमा से बच के रहना है, कानूनी पछड़े से आपको बच करके रहना है। 1 और 2 तारीख को आपके कॉन्टैक्ट बहुत ही बड़े बड़े से लोगों से होंगे, 1 और 2 तारीख को आपको मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा, आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होता हुआ दिखेगा, मोटे इन्वेस्टर मिलेंगे, पार्टनर बहुत ही अच्छे मिलेंगे। 1 और 2 तारीख को सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में एक ये है कि आप अपने जीवन में कुछ बड़े फैसले लेंगे जो अभी तक नहीं ले पाए थे, लंबी यात्राओं का लाभ मिलेगा। काफ़ी समय से चाह रहे थे बड़ा परिवर्तन करें, वो होगा। आपके प्रतिद्वंदी हो, विरोधी हो, कोई आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, सामाजिक वैल्यू बढ़ेगा, स्थानांतरण का योग बहुत ही बेहतर बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, द्वितीय संतान के स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशानियां थी ना, उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा, या द्वितीय संतान से दूरियां थी तो वो कुछ हद तक उसमें तालमेल ठीक होता हुआ दिखेगा। लव लाइफ को लेकर के भी इस समय थोड़े आर्ग्यूमेंट होंगे लेकिन समय बहुत ही अच्छा रहेगा, पार्टनरशिपिंग में जुड़ के कोई नया काम आप प्रारंभ कर सकते हैं। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को या तो आप सफेद रसगुल्ला या पनीर का भोग लगाइए, बहुत ही बेहतर जाएगा मीन राशि वाले। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, प्रस्तुत किया मैंने पूरे सप्ताह का यानी 27 मई से लेकर के 2 जून के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता का नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।